हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ब्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी दोपहर के 12 बजे हुए थे और मैं यहाँ पर सुबह डोसा बना रही हूँ। इसके ऊपर हम बटर लगाएंगे और इसके बाद हम शेजवान चटनी लगाएंगे। तो खाना खाने के बाद मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मेरे पास कितने प्लांट्स थे, मैंने कौन से प्लांट्स नए लिए हुए हैं। अभी मैं ये इस प्लांट को पॉट में ट्रांसफ़र करने वाली हूँ। ये वाला प्लांट मैं कल नया लेकर के आई हूँ। ये एक इंडोर प्लांट है और इसको आप आउटडोर में भी रख सकते हो। ये शोपीस जैसा है। इसका कलर ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, इसलिए मैंने इसको लिया था। मिट्टी भी मैं उस नर्सरी से ही लेकर के आई हूँ, क्योंकि उसकी मिट्टी बहुत ही अच्छी होती है, खाद वाली होती है, तो हमारे प्लांट बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करेंगे। हमारा प्लांट लग चुका है और ऊपर से थोड़ा सा पानी हम डाल देंगे। तो एक ये जो प्लांट है, ये एक रेड रोज़ का प्लांट है, ये इंग्लिश रोज़ नहीं है। उसके बाजू में ये जो अभी मैंने ट्रांसफ़र किया, ये प्लांट इंडोर और आउटडोर के लिए है। ये एक शोपीस प्लांट है। उसके बाजू में ये जो प्लांट है, इसमें बहुत से छोटे छोटे से फूल लगते हैं। बहुत ही लाइट कलर के फूल है ये, बेबी पिंक कलर के, और बहुत दिनों तक ऐसे ही रहते हैं। इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये एक मोगरे का प्लांट है। मोगरे के फ्लावर की जो खुशबू होती है बहुत ही अच्छी होती है, तो इसलिए मैंने इसको लिविंग रूम में लगाया हुआ है। इसको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, तो सुबह शाम इसको पानी देना पड़ता है, और कुछ केयर करने की ज़रूरत नहीं है। अभी इसमें कलियां भी लगी हुई है। ये भी मेरा पुराना वाला प्लांट ही है। और ये एक तुलसी का पौधा है, ये मेरी श्यामा तुलसी है। तुलसी में रामा और श्यामा ऐसे दो प्रकार की आती है। तुलसी के रहने से ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। उसके बाद ये जो प्लांट है, ये मेरा इंडोर प्लांट है, एयर प्योरीफिकेशन प्लांट है ये। इस प्लांट को पानी बहुत ही कम चाहिए होता है। इतना ध्यान रखना पड़ता है कि इसकी जो मिट्टी है वो सूखनी नहीं चाहिए, बाकी एक्स्ट्रा केयर की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये वाला जो मेरा लास्ट प्लांट है, ये एक मनी प्लांट है। इसको आप घर में कहीं पर भी रख सकते हैं। तो ये था मेरा प्लांट कलेक्शन। आज का ये मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये मेरा प्लांट कलेक्शन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए।